गुड मॉर्निंग एवरीवन, परम आयुष के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 17 मार्च को होने वाला है। तो अब जो बचे हुए दिन है हमारे पास, 5-6 दिन बचे हुए हैं, उस 5-6 दिन में हम लोग करेंट अफेयर्स पे बात करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो झारखंड का उस पर बात करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, परम आयुष का जो ऑफिशियल मैगजीन है इनका जनवरी महीने का, जिसमें दिसंबर की न्यूज़ है, तो उम्मीद है कि दिसंबर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एग्जाम के डेट से 3 महीने पहले तक का जो है करंट अफेयर्स होता है। तो ये जो जनवरी का महीना देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स, इसमें बेसिकली दिसंबर्स के न्यूज़ हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला है वो बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चन है, जिसपे हम लोग बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, कोई जल्दी निकलेंगे, हो सकता है कि इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, एक दो क्वेश्चन आ जाए। तो स्टेट्स में बिहार पहले देख लेते हैं कि बिहार में पहला, बिहार पुलिस लॉन्च मिशन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 बिहार सरकार ने लॉन्च किया। बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज फ्रॉम जनवरी 1st, 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75। ये है क्या बेसिकली, ये जो इनिशिएटिव है ये इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति FIR करता है, उसके 75 दिन के अंदर, FIR के 75 दिन के अंदर उसकी सारी इंक्वायरी हो जाएगी, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर चार्जशीट हो गया कंक्लूडेड विद इन 75 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, FIR रजिस्टर्ड होने के 75 दिन के अंदर जो है सारा कुछ इसमें किया जाएगा, इसलिए इसको मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज रखा गया है। आपको पता है इसमें जो है ADGP हैं बिहार सरकार के, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संतोष गंगवार, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक कहते हैं ना कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, अगर किसी को देर से न्याय मिलता है तो वो न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो जो पुलिस की कार्यशैली है, उसके फंक्शंस है, उसको स्मूथ करने के लिए और टाइम पे करने के लिए बिहार सरकार ने 75 दिन, FIR रजिस्टर्ड होने के 75 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने का एक टारगेट रखा है, जिसको मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बिहार पुलिस का एक इनिशिएटिव है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा जो है आपका बिहार पुलिस इलीगल सैंड माइनिंग, बिहार में आपको पता है कि जो गंगा के आसपास के जो जिले हैं वहां पे बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग्स हो रही है। इलीगल माइनिंग्स क्या होती है कि गैर कानूनी तरीके से जो बालू है, आपके जो है स्टोन्स वगैरह है, उसकी माइनिंग होती है, तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए बिहार सरकार ने जो है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए एक्शन लिया है। और इसमें बहुत सारी जो एजेंसीज वगैरह लैग, अभी सबसे पहली बात ये होता क्यों है, इलीगल जो माइनिंग होती है वो होता क्यों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो बात है, पहला तो ये है कि लैक ऑफ रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, इसको रोकने के लिए किसी तरह का रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है उतना जितना चाहिए, अप्रोप्रिएट नंबर में नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा माफिया है, ये पूरा गिरोह है जो गंगा के आसपास जितने भी जिले हैं वहां से इलीगल माइनिंग करते हैं, बालू उठवा लिया, कोई भी जो भी कंक्रीट के सामान हो गए, जो बिल्डिंग्स मटेरियल्स होते हैं उसकी माइनिंग्स करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट की कमी है, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। हाई डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे बालू हो गया, ईंट हो गया, बाकी चीजें होती है। नॉर्थ बिहार में गंगा के आसपास बालू, और साउथ बिहार में आप देखोगे कि वो जो धारवाड़ वाला रेंज है ये पूरा हिली इलाका है, और यहाँ से क्या करते हैं लोग, इलीगल माइनिंग करते हैं। तो इनको रोकने के लिए जो है, चूंकि ये पता है आपको कि कोई रेगुलेशन इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं, दूसरा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड होने की वजह से इसकी माइनिंग होती है, दूसरा है करप्शन एंड माफिया इन्फ्लुएंस, इस फील्ड में माफिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा अरबों करोड़ों रुपए का जो है इनमें जो है इन लोगों का एक छुपा हुआ है बिजनेस इंटरेस्ट है इनका। तीसरा आपका लैक ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना, इसके विकल्प नहीं है, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है इसका कोई अभी तक ऐसा विकल्प नहीं हुआ, इसलिए इसकी जो है डिमांड बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ही होती है। वीक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, एनवायरमेंट पे जो है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। और इसका क्या है, सैंड माइनिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इरोजन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंस, जितने ज्यादा बालू का माइनिंग होगा वो क्या होगा, वहां पे एक तरह का देखोगे तो इरोजन होगा, इरोजन होगा तो जो फ्लड आएगा उसका इंपैक्ट वहां पे ज्यादा होगा। तो ये सब जो है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है। फ्लडिंग एंड इंक्रीज सेडिमेंटेशन, यह क्या करता है, बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाता है। और सेडिमेंशन हिंदी में इसको कहते हैं अवशादीकरण, अवशादीकरण, ठीक है ना, अवशादीकरण। ये सब चीजों के होने से क्या होता है, इसके होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लड का जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, फ्लड आने के बाद उसका जो है कैजुअल्टी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होती है, आपको पता है कि गंगा में बहुत सारे जो है डॉल्फिन्स वगैरह होते हैं जो बिहार में काफी नंबर में पाए जाते हैं, तो ये माइनिंग की वजह से इनकी जो है नंबर्स घट रहे हैं, ये सब उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है।
मेजर फॉर टेकन टू, ये सब मेजर्स वगैरह ये आपको इतना जानना नहीं, बस ये जानना था कि इलीगल माइनिंग्स को रोकने के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स फोर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का करंट अफेयर्स थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ठीक है ना, कि इसमें जो है 4.5 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज, ठीक है, ये चार, ये 6 लेन समझ रहे हैं ना, ये 6 लेन ब्रिज बन रहा कहां पे, गंगा नदी में, ठीक है ना, ये 6 लेन ब्रिज 4.5 किलोमीटर कहां था, गंगा नदी में बन रहा है। इसमें आप देखोगे दीघा इन पटना विद सोनपुर, ये पटना में जो दीघा है वो किसको जोड़ेगा, सोनपुर को कनेक्ट करेगा, और ये कौन सा है, 6 लेन है, 6 लेन ब्रिज है ओवर गंगा रिवर, ठीक है ना। द एस्टिमेटेड, ये सब कॉस्ट नहीं याद रखना, बस ये रखना है कि दीघा से सोनपुर के बीच 6 लेन की जो है एक पुल बन रही है, ठीक है ना, और इसका जो लेंथ कितना, 4.5 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और ये द ब्रिज विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम पटना टू द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, वाया NH 139, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये क्या करेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को भी जोड़ेगा, ये औरंगाबाद एंड सोनपुर, ठीक है ना, औरंगाबाद से सोनपुर के बीच कनेक्ट करेगा। एंड इट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द प्रपोज्ड विराट रामायण मंदिर, ठीक है ना, विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बन रहा है, इसको भी ये कनेक्ट करेगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ बन रहा है, ये आपको चंपारण में बन रहा है, केसरिया, जगह का नाम केसरिया है, जो ईस्ट चंपारण में पड़ता है, यहीं पर विराट रामायण मंदिर बन रहा है, उसको भी ये कनेक्ट करेगा। द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बुद्धिज्म सर्किट एंड प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी टू द बुद्धा स्तूप एट वैशाली। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें बुद्धिस्ट सर्किट भी जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म सर्किट भी जुड़ा हुआ है। बुद्धिज्म सर्किट का क्या होता है, बुद्धिज्म सर्किट का मतलब ये होता है कि बिहार सरकार या बिहार के टेरिटरी में जो भी गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड जो स्थान है उसको जोड़ने के लिए जो है एक सर्किट चलाया गया, जिसको बुद्धिज्म सर्किट बोलते हैं। उसमें आपको चंपारण में जो है वैशाली, जिसको चंपारण बोल रहा हूँ, वैशाली ये जो आपका हाजीपुर और केसरिया के बीच इसको जोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 4.5 किलोमीटर 6 लेन जो है पटना की दीघा से सोनपुर के बीच कनेक्ट होगा, ये केसरिया को भी कनेक्ट करेगा, औरंगाबाद को भी कनेक्ट करेगा, और ये 139 से होके गुजरेगा, और ये किसका पार्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला हम लोग देखते हैं मिशन दक्ष, ठीक है ना, ये परम आईएएस का जनवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में भी आ सकता है, लेकिन बेसिकली अभी मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये बीपीएससी वाले जो बंदे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब मैं वन लाइनर पे आऊंगा, नेशनल न्यूज पे आऊंगा, वो जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ज्यादा, ठीक है ना। ये क्या है, ये मिशन दक्ष है। मिशन दक्ष क्या है, ये बिहार एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, टारगेट है कि 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए चलाया गया, मतलब बिहार में 25 लाख जो शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, जिनको मैथ्स अच्छी नहीं है, जिनको आती है, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी इंग्लिश या मैथ्स अच्छी नहीं है, उसमें 25 लाख बच्चों को टारगेट किया गया है, और क्लास 3 से लेकर क्लास 8, कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों को टारगेट किया गया है, कि वैसे बच्चे जो मैथ्स इंग्लिश और हिंदी में कमजोर है उसको अलग से फोकस करके उसकी जो एकेडमिक वीकनेस है उसको दूर किया जाए, और उसकी जो है कमजोरी को दूर करके उसको बाकी बच्चों के बराबर बनाया जाए। इसमें कक्षा 3 से 8 के ऐसे छात्र जो हिंदी के बाद धारा प्रवाह नहीं बोल सकते, या उनको जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं आती, या उनके जो है अंग्रेजी भी नहीं आती, और ये कक्षा क्या चलेगी 3 बजे के बाद, लंच के बाद, ऐसे 5 बच्चे को एक टीचर पढ़ाएगा, हर स्कूल में 5 बच्चे को पढ़ाया जाएगा, जिसको मिशन दक्ष नाम दिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वैसे स्टूडेंट जो बाकी स्टूडेंट से पिछड़ गए पढ़ने में, जिनकी मैथ्स या हिंदी या इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनको अलग से लंच के बाद, ठीक है, एक टीचर 5 बच्चों को टारगेट करके पढ़ाएगा, और इसका एग्जाम जो है लिया जाएगा बीच में, आई थिंक अप्रैल या मई में एग्जाम होने वाला है इनका। और जो बच्चे अलग से फोकस करने के बाद भी, अलग से पढ़ाने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीचर की होगी जो वहां पे पढ़ा रहा है, या उसके जो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जो ऑफिसर्स या टीचर्स होंगे उस पे आएगी ये जिम्मेदारी। इसको मिशन दक्ष नाम दिया गया है, ताकि कोई भी बच्चा जो है एजुकेशन में पिछड़े नहीं, ठीक है ना, ये एक टारगेट है जो आपको पूरा करना है, ठीक है, स्कूल में। दूसरा आपका 26th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन पटना, ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 26वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग कहाँ हुई है, पटना में हुई है, ठीक है ना। और इसमें स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से आते हैं, इन सब के चीफ मिनिस्टर जो है स्पेशल कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर अभी तो नहीं, चूंकि अब सरकार बन चुकी है नए अलायंस के साथ, तो उस समय जब ये मीटिंग हुई थी तो उन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात की थी, कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में मैं बात करूंगा, ये दर्जा क्यों मांगा जा रहा है बिहार के लिए, कि बिहार के जो बैकवर्डनेस है उसको ध्यान में रखते हुए जो है
इसके लिए मांगा जाए, इसमें कौन कौन से इशू डिस्कस किया, डिस्पोजल ऑफ रेप केसेस, ठीक है ना, ये जो मीटिंग हुई इसमें कौन कौन से इश्यूज थे उस पर बात करते हैं हम लोग, डिस्पोजल ऑफ रेप केसेस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द रेप केसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चे और महिलाओं के खिलाफ जो यौन शोषण हो रहा है या बलात्कार हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी उस ऐसे मामले को निपटाने के लिए, उस पे मीटिंग पे एक इशू था, बैंकिंग टू हैव द फैसिलिटी ऑफ बैंक्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांचेस विद इन 5 किलोमीटर ऑफ इच विलेज, हर गांव में 5 किलोमीटर के अंदर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक बैंक होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना अकाउंट खुलवा सकें और वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बन सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन वैसे इंक्लूजन को कहते हैं जिसमें जिन लोगों के पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, मान लो बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं या कोई भी फॉर्मल जो ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है उससे जुड़े हुए नहीं है, तो उसको वापस उसमें जोड़ने के लिए अकाउंट खुलवाना बाकी मीडियम से, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं तो उसका पैसा सीधे उसके खाते में आए, किसी और के पास ना जाए, ये टारगेट था, वो भी एक मीटिंग का हिस्सा था, ठीक ना। पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, फॉर्मेशन ऑफ 2 लाख न्यू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये क्रेडिट सोसाइटी होती है कि प्राइमरी लेवल पे जो किसानों को जो लोन दिया जाता है वो पैक्स ही देती है, तो किसानों को लोन के लिए पैक्स जो है कहा गया कि 2 लाख न्यू पैक्स का जो है गठन किया जाएगा। ड्रॉप आउट, रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल में बच्चे जब पढ़ाई के दौरान बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं उसको ड्रॉप आउट कहते हैं, तो वैसे बच्चों को ड्रॉप आउट से रोकने के लिए ये इसमें भी जो है इस मीटिंग में ये भी एक मुद्दा था। मैल न्यूट्रिशन, इलिमिनेटिंग मैल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रेन थ्रू पोषण अभियान, वैसे बच्चे जो पोषण नहीं ले पाते हैं या मैल न्यूट्रिशन जिसमें होता है उसको खत्म करने के लिए जो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया जाए, वो भी इस मीटिंग का एक हिस्सा था। स्पीडी ट्रायल्स, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, जो केसेस बहुत लंबे समय से पेंडिंग है या हीनियस क्राइम वाले केसेस हैं वैसे क्राइम को डील करने के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट इस्टेब्लिश करने की भी बात थी। तो ये देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जो है मेन इशू रहे, कौन सा, पटना में जो ईस्टर्न काउंसिल जोनल मीटिंग हुई उसमें, और उसी में बिहार के चीफ मिनिस्टर ने अलग से विशेष राज्य के दर्जे का भी मांग रखा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग देखेंगे बिहार प्रोटेक्शन मानसून एंड क्विट्स बिल्डिंग, ये एक आपका इंपॉर्टेंट है। बिहार वाटर लाइफ ग्रीनरी कैंपेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीपीएससी के, बिहार वाटर लाइफ जल जीवन हरियाली मिशन, किसका, बिहार सरकार का है, इसको COP28 में जो कहां हुआ है, दुबई में हुआ है, ठीक है ना, दुबई में COP28 कहां हुआ है, दुबई में COP28 दुबई में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि COP28 कहां हुआ है, दुबई में हुआ है। ये COP28 जो दुबई में हुआ है इसमें बिहार सरकार की जो योजना है कि जल जीवन हरियाली मिशन इसको प्रेस किया गया है, इस प्रोग्राम्स की तारीफ की गई है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार सरकार के लिए। ये जल जीवन हरियाली मिशन क्या है, ये जल जीवन हरियाली मिशन है कि बिहार में जितने भी, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हैं, मान लो कुएं हैं, तालाब हैं, ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे वाटर रिजर्वर हैं उसको फिर से प्रिजर्व करना, हैंड पंप्स वगैरह है जहां पे पानी वाटर लेवल नीचे चला गया उसको फिर से जो है वाटर लेवल ऊपर लाना और पानी को कंजर्व करके रखना, और उसके अलावा जितनी भी बिहार के क्षेत्र हैं, 32, ये बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे ग्रीनरी को फैलाना, मतलब नए नए प्लांट्स लगाना, पौधे लगाना और उसके ग्रीन कवर को बढ़ाना। ग्रीन कवर में क्या है, 12 से 15% तक का जो टारगेट रखा गया था जो पूरा भी कर लिया बिहार सरकार ने। तो जल जीवन हरियाली मिशन को जो है COP28 में बिहार सरकार की एक योजना है उसमें इसको प्रशंसा मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहां हुआ है, ये जो हुआ है आपका कहां पे, दुबई में हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ COP28 क्या है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, कोप को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, और ये 28वां जो है वर्जन है इसका, और ये कहां हुआ है, ये दुबई में हुआ। बिहार इज अमंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ए ग्रीन बजट एमिंग टू अलग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार, ठीक है, भारत का प्रथम राज्य है जिसने जो है क्या किया है, ग्रीन बजट। ग्रीन बजट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ग्रीन बजट ये जो लॉन्च हुआ है कब हुआ है, ये 2020-21 में, 2020-21 में लॉन्च हुआ है ये ग्रीन बजट, और ये बिहार सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि बजट में, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए बजट को पास किया जाए, और पहली बार 2020-21 में लॉन्च किया गया है ये ग्रीन बजट, ठीक है। चल अगले पॉइंट्स को देखते हैं, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे है क्या क्या, बिहार जो यहां जगह रखेगा, ये जातिगत जनगणना नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सेंसस नहीं है, इसमें क्या है, सर्वे है। सेंसस होता तो वो अलग हो जाता, तो बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, याद रखिएगा। अभी हाल में बिहार सरकार ने जनवरी महीने में इसको लॉन्च किया था और 2 अक्टूबर 2023 को इसके डेटा को रिलीज किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ डेटा है, सबसे पहले तो कास्ट सर्वे करवाया क्यों गया उसके बारे में जान ले कि कास्ट सर्वे करवाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बिहार में
हर जाति के कितने कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग रहते हैं, उसका डेटा आना। डेटा लाने का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि बिहार गवर्नमेंट जो भी अब स्कीम्स बनाएगी, जो भी स्कीम्स बनाएगी, तो उसके लिए हमारे पास एक रॉ मटेरियल होना चाहिए, एक रॉ डेटा होना चाहिए कि किस समुदाय की कितनी आबादी है या किस कास्ट की कितनी आबादी है, ठीक है ना। उसके आधार पे गवर्नमेंट जो एलोकेट करेगी, फंड एलोकेट करेगी, उसके लिए जो है ये सर्वे करवाया गया। ये सेंसस नहीं है, सर्वे करवाया गया। और इसको करवाने में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आए। पहले ये कोर्ट में गया मामला, हाई कोर्ट में गया, पटना हाई कोर्ट ने पहले स्टे लगा दिया, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया, फिर हाई कोर्ट के पास मामला आया, बाद में बिहार गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा कि ये कोई सेंसस नहीं है, जनगणना नहीं है, बल्कि सर्वे है। और इसको कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार में जो आबादी है, ठीक है ना, उस आबादी का डेटा हमारे पास हो कि किस समुदाय से या किस जाति से कितने परसेंट या कितनी आबादी है उनकी, ताकि सरकार जो भी योजनाएं बनाए तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में उसका फंड एलोकेट किया जाए और उसको योजना में प्रायोरिटी में रखा जाए। ये मुख्य उद्देश्य था। उसके कुछ डेटा आए हैं, उस डेटा में हम लोग देखेंगे कि अब देख लो कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के 15% लोग हैं, ठीक है, मुस्लिम सिख, उसमें मुस्लिम सिख हिंदू 4.8% मुसलमान है जनरल क्लास में, और 10.7% लोग जो है हिंदू समुदाय से हैं, ठीक है ना। उसमें 63.1% जो है ओबीसी हैं, जो अभी नया सर्वे हुआ है, कास्ट सर्वे बिहार सरकार का, उसमें 63.1% ओबीसी क्लास है, ठीक है। और ईबीसी जो है इसमें मिला करके अगर देखो, ईबीसी 36% है, ईबीसी या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। बिहार में ओबीसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो ओबीसी है, दूसरा ईबीसी है, ठीक है ना। पिछली जाति को बैकवर्ड कम्युनिटी दो हिस्सों में बांटा गया है, ईबीसी एंड ओबीसी। ओबीसी 27.1% है और ईबीसी 36% है, ठीक है ना। और टोटल इसमें एससी और एसटी का कितना है, शेड्यूल कास्ट जो है वो 19.7% है, कितना 19.7। एससी समुदाय की आबादी कितना, 19.7%, और एसटी की कितनी है, 1.7%। बिहार में एसटी की आबादी 1.7% है, जो जनजाति आबादी है, और 19.7% जो है वो आपके एससी हैं। और आपको पता है कि इन्हीं 19.6% के लिए बिहार में जो है 6 जो है लोकसभा सीट्स रिजर्व है, ठीक है ना। तो ये कास्ट सेंसस है आपका, उसके कुछ डेटा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बिहार सरकार का। अब इसका क्या है कि इसमें कुछ डेटा है कि क्या बेनिफिट्स है, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। पहला बेनिफिट, एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ ओबीसी। इसके कुछ आपके पास होने चाहिए पॉइंट्स कि कास्ट सेंसस सरकार करवाती क्यों है। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ओबीसी, ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, कितनी आबादी है, उसका एक एक्यूट इन्फॉर्मेशन सरकार के पास है। देयर इज नो एस्टिमेशन, एस्टिमेट फॉर ओबीसी आर डिफरेंट फिगर्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब है कि सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं सबका अलग अलग डेटा है, तो उस डेटा से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक्यूरेट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक एक्यूरेट एस्टिमेट आ जाएगा कि ओबीसी की आबादी बिहार में कितनी है, ठीक है ना। डेवलपमेंटल पॉलिसी, डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है, जो भी विकास की नीतियां हैं, उस नीति को बनाने के लिए जो है हमारे पास जब ये डेटा रहेगा तो उसे क्या कर सकते हैं हम, जैसे ओबीसी चिल्ड्रेन कंप्राइजिंग 45% स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूल में 45% जो बच्चे हैं वो कौन से, ओबीसी समुदाय से। डेवलपमेंट पॉलिसीज हो गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जनसंख्या के अनुपात में उसका प्रति, जैसे बोलते जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए भी ये बहुत जरूरी था। डिटेस्ट, हाँ, क्रूशियल स्टडी, ठीक है, डाटा सेट क्रूशियल स्टडी, द कंसेंसस आल्सो प्रोवाइड्स द, यहाँ पे सेंसस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सर्वे होना चाहिए था, ठीक है ना, ये सर्वे होना चाहिए, सेंसस नहीं है। द सेंसस सर्वे आल्सो प्रोवाइड्स द डेटा सेट फ्रॉम विच द नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ड्रॉ देयर सैंपल्स, ये उसमें भी जो है हेल्प करता है। तो ये करवाने का आपको बस एक जानना है कि बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे करवाया क्यों। कास्ट सर्वे करवाने का एक ही उद्देश्य था कि विकास में जो बिहार में आबादी है, जो भी सरकार बिहार सरकार योजनाएं बनेगी, तो उस आबादी का हमारे पास एक डेटा हो और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है सरकार पॉलिसी बना सके और सबको जनसंख्या के अनुपात में विकास में भागीदार बनाया जा सके, यही मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। इसमें कुछ है, पटना हाईकोर्ट का क्या क्या रहा वो केस समझ गए, पहले मैंने आपको बता दिया, पटना हाईकोर्ट गया था, वहां से स्टे लग गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस पटना हाईकोर्ट के पास भेजा, बिहार सरकार ने फिर एफिडेविट डाला कोर्ट में और बताया कि ये सर्वे करवाने का हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है, बिहार डिमांड फॉर स्पेशल, ठीक है, स्पेशल कास्ट कैटेगरी स्टेटस। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जान लो कि बिहार सरकार लगातार मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मांग कर रही है कि बिहार की आबादी आपको पता है कि अच्छी खासी आबादी गरीब है, डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री किससे लगता है, नेपाल से लगता है, और हर साल फ्लड आता है नदी, वहां से पानी आने की वजह से, जिससे जो है इसका डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। तो ये बहुत लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग चल रही है, ठीक है, और उसमें भी अभी वर्तमान में बिहार सरकार ने इसके लिए मांग की। ये होता है क्या, स्पेशल रिकॉग्निशन दैट फंक्शन एज अ प्रोविजन फॉर द बेटरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ बैकवर्ड रीजन। ये अभी पता है आपको कि भारत में जो भी हिली इलाका है आजादी के बाद से, गार्डगिल फार्मूले के आधार पर, कौन सा फार्मूला है ये, गार्डगिल फार्मूला, गार्डगिल फार्मूले के आधार पर जो है
ये स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उस कैटेगरी में है। संविधानिक प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कर दिया गया 371 से, ये आर्टिकल 371 से ये प्रावधान है, जो आर्टिकल 371 है उसमें विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात की गई है। और उसमें से प्रावधान है कि विशेष राज्य के दर्जे का क्या क्या क्राइटेरिया होगा, उसमें कुछ क्राइटेरिया अगर आप देखोगे, ठीक है ना, उसमें हम तो बात करते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया है विशेष राज्य के दर्जे के लिए। हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, इसका पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो जो स्टेट्स होना चाहिए जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा वो पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए और उसका जो है दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र। दूसरा जो क्राइटेरिया है आपका वो है लो पॉपुलेशन डेंसिटी और ए साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर इंडिया में सबसे कम डेंसिटी की बात आएगी पॉपुलेशन डेंसिटी की, वो कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है आपका, है ना, ठीक है। और उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन जब उस स्टेट की ट्राइबल पॉपुलेशन हो, तो बिहार में ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी नहीं है और डेंसिटी भी क्या है मैक्सिमम है, तो हाई नहीं है, तो ये जो क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर, ये क्राइटेरिया बिहार फुलफिल करता है कि ये नेपाल से लगता है, रणनीतिक राज्य है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट्स है इंडिया का, क्योंकि इसकी बाउंड्री किसे लगती है, नेपाल से लगती है, ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, आर्थिक और आधारभूत संरचना का क्या है अभाव है, ये क्राइटेरिया भी बिहार पूरा करता है। नॉन वियबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, ठीक है ना, राज्य में जो विपत्त के संसाधन है कैसे हैं, आपको पता है कि डेवलप स्टेट नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं है, तो इसमें आप देखोगे हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन ये नहीं है और लो पॉपुलेशन डेंसिटी ये नहीं है, बाकी सारे क्राइटेरिया जो है लगभग बिहार पूरा करता है। लेकिन आपको पता है कि अलग से फाइनेंस कमीशन ने भी और सरकार की बाकी एजेंसीज ने भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने से मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर बिहार को देंगे तो ओडिशा भी डिमांड करेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी डिमांड करेगा, बाकी और स्टेट्स भी डिमांड करना शुरू कर देंगे जो पिछले भी, कि हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। तो बिहार सरकार को भी ये दर्जा जो है अभी तक नहीं मिला, और एक कमेटी बनी थी, ठीक है, उस कमेटी का रंगराजन कमेटी, और भी कमेटी बनी है इस पे, सी रंगराजन कमेटी थी, रघुराम राजन कमेटी बनी है इस पे विशेष राज्य के दर्जे में। तो इसमें जो बहुत सारी चीजें इसमें कह दिया गया है कि अब भविष्य में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए, जिनको मिल गया है वो मिल गया, अब किसी को अलग से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका जो क्राइटेरिया है, इसमें कुछ स्टेट दिए हुए हैं जिसके विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात की गई है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यह है कि बिहार क्यों मांग कर रहा है, तो वही आपको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद इसके पास जो है इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं रहे, उसका इंपैक्ट पड़ा है। नीड फॉर वेलफेयर, नेचुरल चैलेंजेस, नेचुरल चैलेंज में पता आपको नॉर्थ बिहार पूरा फ्लड इफेक्टेड है, मानसून सीजन में बाढ़ आती है जिसकी वजह से जो है इसका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है बिहार का। दूसरा है साउथ बिहार, वो क्या है, ड्रॉट रीजन है, ड्रॉट प्रोन इलाका है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। नीड फॉर वेलफेयर फंडिंग, बिहार में वेलफेयर फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जो है हर सेक्शंस को विकास के धारा में शामिल किया जा सके, और उसके पास रिसोर्सेज उतनी नहीं है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए उतना स्कोप है, और बाकी और जो हेवी इंडस्ट्रीज है उसका रिसोर्स हमारे पास नहीं है। अदर स्टेट्स का डिमांड है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये लोग भी मांग करते हैं, तो अगर बिहार को मिला तो इनकी भी मांग जोर पकड़ेगी और फिर उनको भी देना पड़ेगा, जिससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे या उनके जो है कोष पे अलग से प्रभाव पड़ेगा इस पे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बिहार का स्पेशल था तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग जो देखेंगे वो है वन लाइनर करंट अफेयर्स। जेपीएससी वाले जो भी देख रहे हैं उसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, कि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो कि जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन लाइनर करंट अफेयर्स है, दिसंबर महीने का है, इसको हम लोग जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखोगे एक एक करके, ठीक है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहला आपका सिंगापुर एंड ज्यूरिक, ठीक है ना, सिंगापुर और ज्यूरिक हैज गॉट द टॉप पोजीशन इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ये क्या है, ये सिंगापुर और ज्यूरिक जो है दो शहर हैं, एक सिंगापुर का है, ठीक है, और एक ज्यूरिक है, ये स्विट्जरलैंड का शहर, इन दोनों का कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो है सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें ये एस्टिमेट किया जाता है कि कोई भी शहर रहने के हिसाब से कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो ये दो शहर है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, एक जो ज्यूरिक है और सिंगापुर, ये जो है सबसे महंगा शहर है वर्ल्ड का रहने के लायक, ठीक है ना। दूसरा है राहुल द्रविड़ टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड। आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, राहुल द्रविड़ है, उनका जो है टेन्योर बीसीसीआई ने एक्सटेंड कर दिया है, अब ये आगे भी भारतीय टीम के कोच रहेंगे, कौन, राहुल द्रविड़, ठीक है ना, हेड कोच है इंडियन टीम्स के। अगला आपका इन यूपी इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी सेट। इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर कहां एस्टैब्लिश हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर एस्टैब्लिश हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव कहां लॉन्च किया है? यूनाइटेड अमीरात में, यूएई में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। कहां पे? यूएई में लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीआर ललिता अंबिका हैज बीन ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवलियर ऑफ द लीजन अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन ओरिजिन की है। वीआर ललिता अंबिका, वीआर ललिता अंबिका को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। जैसे हमारे कंट्री में है ना भारत रत्न, वैसे ही फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसको चेवलियर ऑफ द लीजन कहते हैं, और दी ऑनर ये वीआर ललिता अंबिका को मिला है, ठीक है ना, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगला जो पॉइंट है, द फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांचवा, ठीक है, पांचवा भूमंडली आयुर्वेदा फेस्टिवल, वर्ल्ड आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? ये केरला में हुआ। पांचवा आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ? केरला में आयोजित किया गया। द 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्टेड नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का स्टेट फेस्टिवल है, और ये कहाँ हुआ है? नागालैंड में। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ हुआ है? नागालैंड में हुआ है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग, मनीषा पद्धी इज द फर्स्ट वोमेन ऑफिसर टू बिकम एडी कैंप इन द इंडियन फोर्सेस, ठीक है ना। भारतीय सेना में मनीषा पद्धी पहली महिला है जिनको जो है एडी द कैंप। ये क्या होता है कि आर्मी में एक बड़ा पोस्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, उसके सिक्योरिटी में इन लोगों को लगाया जाता है। तो महिला पद्धी फर्स्ट वोमेन ऑफिसर बनी है, मिजोरम की है, मिजोरम में ही इनको जो है ये ऑनर दिया गया, वहां के राज्यपाल ने दिया। तो ये पहली फर्स्ट दी कैंप इन द इंडियन आर्म फोर्सेज में अपॉइंट हुए, पहली महिला अधिकारी बनी है ये, ठीक है ना। ओडिशा हैज लॉन्च एट यूनिक एएमए के बैंक स्कीम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता आपका। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम रिसेंटली फाउंड ए 115 मिलियन, ठीक है, ईयर ओल्ड शार्क फेस्ट है ना, फॉसिल जैसलमेर। 115 मिलियन पुराना जो है शार्क का जो है फॉसिल्स कहां पाया गया है? ये आपको पाया गया आपके जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के जैसलमेर में 115 मिलियन पुराना जो है जीवाश्म पाया गया, किसका, ठीक है, ये आपको पाया गया है आपको फॉसिल सार्क, ठीक है ना, सार्क फॉसिल पाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एमफिली 2.0 पोर्टल, एक मोबाइल पोर्टल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसेंटली लॉन्च द लग्जरी शिप क्लासिक इंपीरियल, ये लग्जरी शिप है, ठीक है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन है ना, आपको देखोगे आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ नितिन गडकरी, आपको कौन सा मिनिस्टर है आपको ये आपको पता है कि राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। इन्होंने क्लासिकल इंपीरियल जो एक लॉन्च है, कौन सा, लग्जरी शिप है, केरला में इसको लॉन्च किया है। सऊदी अरेबिया हैज रिसेंटली रिलीज द ऑयल एंड गैस, ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन चार्टर इन कोप 28। आपको पता है यूएई में कोप 28 हुआ, उसमें सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर ला पास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको कि किस कंट्री ने हाल ही में कोप 28 में, ठीक है, ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप देखोगे इसमें कौन सा हो जाएगा चार्टर, ये आपको सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है। इंडिया हैज गॉट 49th रैंक इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है ना, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में इंडिया को कौन सा रैंक मिला, 49 डिजिटल रैंकिंग में हम लोग किसमें है, 49th रैंक में है, कौन, इंडिया। रिसेंटली इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंडिया को जो है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो है री इलेक्टेड किया गया है। और ये जो आपको पता है कि हेडक्वार्टर किस कहाँ है इसका मैरीटाइम का, ये आपको लंदन में है। इंडिया को भी हाल में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर इलेक्ट किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि म्यांमार हैज नेम साइक्लोन मिचोंग, ठीक है, साइक्लोन मिचोंग, अभी जो साइक्लोन आया था उसको म्यांमार ने नाम दिया साइक्लोन मिचोंग, विच रिसेंटली हिट द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में भी जो साइक्लोन आया था उसका नाम म्यांमार ने क्या रखा, साइक्लोन मिचोंग। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। वैशाली रमेश बाबू हैज रिसेंटली बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 84वां भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर का शतरंज में मिलता है, जो उसका विनर बनता है उसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। तो 84वां 84 ग्रैंड मास्टर कौन बने, वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री, आरोग्य मैत्री क्या है, वर्ल्ड पोर्टेबल, पोर्टेबल हॉस्पिटल वैसे हॉस्पिटल को कहते हैं जो मूवेबल होता है, चलता फिरता होता है, वो कोई स्टैब्लिश नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग नहीं होता है कि एक जगह है तो वहीं स्थिर रहेगा। तो वर्ल्ड का पहला फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्लब अनवेल्ड एट हरियाणा, ये कहां शुरू किया गया है, ये हरियाणा में शुरू किया गया है। प्रेरणा देवस्थली इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए वॉरशिप इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में एक युद्धपोत को कमांड करने वाली पहली महिला कौन बनी है, प्रेरणा देवस्थली, प्रेरणा देवस्थली इज द फर्स्ट फीमेल हु कमांड, है ना, वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांड वॉरशिप इंडियन नेवी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगला है 82 इंडियन रोड कांग्रेस हैज बीन स्टार्टेड एट गांधीनगर। 82 इंडियन रोड कांग्रेस कहां लॉन्च किया गया है, कहां स्टार्ट हुआ है ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। आरबी ये अगला देखो, राधाकृष्ण दामानी हैज टॉप्ड आईडीएफसी फर्स्ट एंड हुरुन इंडियाज फर्स्ट लिस्ट ऑफ इंडिया टॉप 20 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि वो खुद से उन्होंने एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश किया था और वो जो है यहां तक पहुंचे। तो इसमें कौन है, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी का कौन है, राधाकृष्ण दामानी, ठीक है ना। आईडीएफसी फर्स्ट एंड हुरुन इंडियाज फर्स्ट लिस्ट इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर। रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल अगेन फ्रॉम वेनेजुएला। अभी हाल में इंडिया ने वेनेजुएला से फिर से, पहले मंगवाता था फिर बंद हो गया, अभी वेनेजुएला से फिर से भारत ने जो है क्रूड ऑयल मंगवाना शुरू किया है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, परम आईएएस का जो आपको शेयर किया गया मैगजीन, उसमें आपको वो चीजें दी हुई होंगी, ठीक है ना। अभी हाल में जो है एंड्री राजोलिना, इसको मेडागास्कर का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, एंड्री राजोलिना हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। ये आपको पता है मेडागास्कर क्या है, इंडियन ओशियन में एक कंट्री है, ठीक है। वहां के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, एंड्री राजोलिना। अगला जो पॉइंट है आपका कि अभी अमेरिका में व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम का एक बीमारी देखा गया है, कहां पे, यूएसए में। तो व्हाइट लंग एक बीमारी कहां पे देखा गया है, अमेरिका में देखा है। अकॉर्डिंग टू द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल विद द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 26वां पॉइंट जो आप देख रहे हो कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो है ग्राउंड वाटर इंप्रूवमेंट कहां हुआ है, हाईएस्ट ग्राउंड वाटर इंक्रीज हुआ है कहां पे, वेस्ट बंगाल में। जो वेस्ट बंगाल है वहां पे हाईएस्ट जो ग्राउंड वाटर है वो इंक्रीज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2023 में आई है, उसमें कहा गया है कि वेस्ट बंगाल ने अपने भूजल में ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी की है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन नेवी डे 2023 बार ऑर्गेनाइज इन महाराष्ट्र, भारतीय, ठीक है, नौसेना दिवस जो है मनाया गया कहां पे, महाराष्ट्र में मनाया गया। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। ये 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो अभी हाल में कहां मनाया गया, ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया है भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। अगला है कंचन देवी हैज बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का पहला जो है, पहली महिला है जो इसकी डायरेक्टर जनरल बनी है, कौन, कंचन देवी। खादी मतिकला महोत्सव वाज इनॉग्रेटेड इन गुजरात रिसेंटली। गुजरात में खादी मतकला महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, कहां पे, गुजरात में। हम वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हम वर्ल्ड वॉर जो 2 म्यूजियम है वो कहां पे है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। रिसेंटली इन एमपी, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। आपको पता है कि हाल में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, कहां कहां पे, अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट की बात करेंगे तो एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। इन तीनों स्टेट्स में कौन जीती है, बीजेपी जो है 2 स्टेट्स में कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हरा के, और एमपी में तो पहले से थी बीजेपी, अपनी सरकार बनाई गई। तो इन 3 राज्यों में भी हाल में नॉर्थ इंडिया में चुनाव आयोजित हुए हैं। एक तेलंगाना में हुआ है, वो दक्षिण भारत का है, ठीक है, आप वो भी याद कर सकते। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभी हाल में किन राज्यों में जो है चुनाव आयोजित हुए हैं, ठीक है ना। रिज, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे कि रिज हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज को, ठीक है, वर्ल्ड 2023 का जो है वर्ल्ड डिक्लेयर किया, वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 किसने डाल किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। वो वर्ल्ड का नाम क्या है, वो वर्ल्ड का नाम है रिज, RIZZ। रिज का मतलब क्या होता है, रिज का मतलब होता है अट्रैक्टिव, करिश्मेटिक, जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, करिश्मेटिक लगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। इस वर्ल्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया है, ठीक है। नंदन इनकेनी, केपी सिंह एंड निखिल कारनाथ हैज बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स एशिया जीरो। फोर्ब्स एशिया जीरो में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, उसमें कौन कौन है, नंदन इनकेनी है, केपी सिंह है और निखिल कारनाथ है, ठीक है ना। ये फिलोथ्रॉपी, ये मानव सेवा में इनका योगदान को देखते हुए इन तीनों को फोर्ब्स लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट, न्यू दिल्ली हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट वुमेन इन द एयर। ये जो NCRB का डेटा है 2023 का, उसमें देखा गया है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो है अपराध होते हैं किनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध कौन होते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में होते हैं, रिकॉर्ड किया गया ये, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि NCRB, अकॉर्डिंग टू द NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा 2023 के अनुसार, सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ कहां होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पे सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, ठीक है, ये भी है इंपॉर्टेंट। जर्मनी वन द फीफा
अंडर 17 वर्ल्ड कप, अभी हाल में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, ठीक है ना, जर्मनी ने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और किसको हरा के जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि भाई किसको हरा के जीता है, तो स्पेन को हरा के, किसको हरा के जीता है फीफा अंडर 17, स्पेन, स्पेन को डिफीट करके जर्मनी जो है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। शीतल देवी हैज रिसीव द बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड एट द रियाद एशियन अवार्ड कॉन्फ्रेंस। ये 36वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतल देवी क्या है, ये पारा आर्चर्स है, ठीक है ना, ये तीरंदाजी करती हैं लेकिन ये फिजिकली चैलेंज्ड है, इनके हाथ नहीं है, पैर से ये जो है पारा आर्चर्स करती हैं। तो अभी जो है इनको अवार्ड दिया गया है कहाँ पे, ये दुबई में दिया गया है। शीतल देवी हैज रिसीव द बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड एंड रियाद में, दुबई में नहीं, रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में दिया गया। शीतल देवी को क्या दिया गया है, बेस्ट यंग एथलीट्स अवार्ड। और ये है क्या, किस खेल से संबंधित है, ये पारा आर्चर से, याद रखिएगा। शीतल देवी इनके हाथ नहीं है, पैर से जो है तीरंदाजी करती हैं, इनको अभी रियाद में बेस्ट एथलीट यंग एथलीट का अवार्ड मिला है। ये भारत की हैं, इनको बेस्ट यंग एथलीट का अवार्ड मिला, और किस खेल से जुड़ी हुई है, पारा एथलीट से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज रिसेंटली लॉन्च द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम मानचित्र, क्या नाम है इसका, ग्राम मानचित्र, ग्राम मानचित्र, ठीक है, ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है, ग्राम मानचित्र मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, अभी हाल में रिसेंटली। संध्या इज द फर्स्ट सर्वे शिप हैंडेड ओवर द नेवी। सर्वे शिप क्या है, ये गश्ती पोत है, ये क्या करता है, गश्त करता है और आसपास के इलाके में टोह लेता है। तो ये जो सर्वे शिप है इसका नाम क्या है, संध्या, इंडियन नेवी का नया भी है, फर्स्ट सर्वे शिप है, ठीक है ना। इंडियन कंपनी सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मजगांव डॉक्स, ये सब क्या है, इंडिया की कंपनीज हैं जो कोई शिप बनाती है, कुछ जो है एयरफोर्स के लिए सामान बनाती है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, इसको सिप्री ग्लोबल हैंडेड आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी में शामिल किया गया है। ये तीन कंपनी जो है आपको, ठीक है ना, सिप्री का है, ये है आपका सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर देखें, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च, सॉरी सिंगापुर स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है ना, स्टॉकहोम सिप्री, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नाम तो पीस है, और आपको पता है कि ये किससे जुड़ी भी है, इसे जुड़ी भी है कि कोई भी कंट्री आर्म्स पे कितना खर्च कर रहा है, हथियारों पे कितना खर्च कर रहा है, उसके बारे में ये एस्टिमेट करती है, सर्वे करती है और रिपोर्ट जारी करती है। तो सिप्री के रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भारत की जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मजगांव डॉकयार्ड, इसको टॉप 10 आर्म्स प्रोड्यूसर, हथियार बनाने वाले ग्लोबल टॉप 100 कंपनी में शामिल किया गया। ये तीनों कंपनी कहाँ की है, भारत की कंपनी है, और इसको हथियार बनाने के 100 कंपनियों जो वर्ल्ड की टॉप आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उसमें इंडिया के तीन कंपनी को शामिल किया गया है, ठीक है, इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान एंड आप नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल रिसेंटली लॉन्च द भगवत मान सरकार। ये स्टेट से क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नाम से पूछ लेगा तो पता ही है भगवत मान कहाँ के सीएम है। सरकार तोहरे द्वार स्कीम, तो है ना, तुहारे द्वार स्कीम, ये क्या है, घर तक जो है राशन पहुंचाना लुधियाना में, प्रोवाइडिंग डोर स्टॉप डिलीवरी फॉर एसेंशियल सर्विसेज। आज हर सरकार जो है, राज्य सरकार क्या करती है, अपने राज्य के नागरिकों में राशन पहुंचाने के लिए घर तक डिलीवरी करती है, तो वैसे ही पंजाब सरकार ने भी जो है ये स्कीम लॉन्च की है। द 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, 29th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कोलकाता में हुआ है। और चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी, चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी जो एक फिल्म है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है ना। और ये कहाँ की फिल्म है, इसराइल की फिल्म है, चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी इसराइली मूवी है, जिसको 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर, ठीक है, फ्यूजन रिएक्टर है। एक तो था फ्यूजन, और यहाँ पे क्या है, संलयन, फ्यूजन है, ठीक है ना, फ्यूजन रिएक्टर है, ये संलयन रिएक्टर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। इसका नाम क्या है, JT60SA, ठीक है, ये जापान में, ये कहाँ पे, जापान में जो है बनाया गया है, कहाँ पे, जापान में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है, वो जापान में, उसका नाम क्या है, JT60SA, ठीक है ना, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। परम आईएएस का जो जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है, बेसिकली इसमें जनवरी नाम है लेकिन होता है दिसंबर का, एक महीने लेट से चलता है, इसको आप वो लोग वन लाइनर को एक बार बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लगता है जेपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपको इसी पिछले तीन महीने के बाद दिसंबर तक का ही पूछा जाएगा, जनवरी मुझे लगता है जनवरी तक भी टच नहीं करेंगे, ये कर लिया तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड है
ये एग्जाम से 3 महीने पहले का ही पूछते हैं, उससे अंदर का नहीं पूछते हैं। एग्जाम अगर मार्च में हो रहा है तो ये दिसंबर तक का पूछेंगे या उससे पहले का पूछेंगे, दिसंबर से पहले नवंबर अक्टूबर इन सब का पूछेंगे। तो ये दिसंबर का करंट अफेयर्स है, इसमें वन लाइनर जो है आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। चाइना हैज रिसेंटली लॉन्च इजिप्ट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, अभी हाल में ठीक है ना, मिस्र का एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च किया है किसने, चाइना ने, उसका नाम क्या है, मिस्र सैट, मिस्र सेटेलाइट टू, मिस्र सैट नाम है इसका फुल फॉर्म हो गया, मिस्र सेटेलाइट टू, इसको किसने लॉन्च किया, चाइना ने, किसका, मिस्र का। अभी कभी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इन सब चीजों पे ध्यान दें कि क्या वजह है, चाइना क्यों लॉन्च कर रहा, चाइना अफ्रीका, मिस्र कहां, अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है, वो अफ्रीका में अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, सबको बाकी कंट्री में धौंस जमाने के लिए ये इस तरह की स्कीम जो है वहां पे चला रहा है, ताकि अफ्रीकन कंट्री जो है उसके प्रति लॉयल हो जाए और उसकी तरफ जाए, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है जियोपॉलिटिक्स की वजह से ये होता है। तो अभी हाल में मिस्र का मिस्र सेट टू सेटेलाइट किसने लॉन्च किया, चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। डॉक्टर अकास्था कृष्णमूर्ति इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू कमांड द मार्स रोवर मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल रोवर मिशन के कमांड किसको मिली है, फर्स्ट इंडियन वीमेन है, उसका नाम है अकास्था कृष्णमूर्ति, जिसको मार्स रोवर मिशन की कमांड मिली है, पहली महिला, भारतीय महिला है जिनको ये कमांड मिली है। जब भी कोई इंडियन फर्स्ट इंडियन आए ना तो उसको आप लोग पकड़ लेंगे, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, विश्व रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, यूएई में हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हैज बीन स्टार्टेड एट यूएई। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसेंटली गिव फॉर्मल रिकॉग्निशन टू द तालिबान रन अफगान गवर्नमेंट, ये 46 नंबर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना वर्ल्ड का पहला देश है जिसने अफगानिस्तान सरकार को मान्यता दी है, वर्ल्ड में अभी ऑफिशियली किसी ने नहीं दी है। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसेंटली गिव फॉर्मल रिकॉग्निशन, औपचारिक रूप से जो है तालिबान सरकार को मान्यता किसने दी है, चाइना ने दी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको कि अभी तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता किस कंट्री ने दी है, तो वो कौन है, चाइना है, ठीक है। द फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट गुवाहाटी, गुवाहाटी में आयोजित किया गया फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम, ये मीटिंग कहां हुई है, गुवाहाटी में हुई, आसाम के गुवाहाटी में। द मेन्स वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्टेड एट कर्नाटका, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेन्स वॉलीबॉल वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप कहां आयोजित किया जा रहा है, वो कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है। द 66th महापरिनिर्वाण डे ऑफ अम्बेडकर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर, आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे संविधान निर्माता, उनका निधन कहां हुआ था, 6 दिसंबर को हुआ था। तो अभी जो इस साल मनाया गया है वो 67वां महापरिनिर्वाण, उनके डेथ को महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं, गौतम बुद्ध के डेथ को कहते हैं ना कि महापरिनिर्वाण हुआ था उनका, उसी तरह से बी आर अम्बेडकर जो थे वो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उनकी जो देहांत हुआ था वो 6 दिसंबर को हुआ था। तो 6 दिसंबर को क्या मनाया गया है, 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है उनकी याद में, ठीक है। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। गरवा डांस, ये गुजरात का गरवा डांस है, ठीक है। गरवा डांस रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किसको कहते हैं, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उसको कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं अमूर्त, है ना, अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल सांस्कृतिक, है ना, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, वैसा धरोहर जिसको हम छू नहीं सकते। मान लो जैसे बोतल है, इसको हम छू सकते हैं, ठीक है, ये पर्स है इसको हम छू सकते हैं, ये पेन है इसको छू सकते हैं, तो वैसी चीज जो अमूर्त है वो मूर्त फॉर्म में नहीं है, जो हमको दिखती है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको इनटेंजिबल कहते हैं। तो अभी हाल में ये कौन देती है, यूनेस्को देती है, ये कौन देती है, यूनेस्को डिक्लेयर करती है, ये लिस्ट जारी करती है, रिलीज करती है, उसमें भारत का जो गरबा डांस है गुजरात का उसको हाल ही में इनटेंजिबल हेरिटेज जो है डिक्लेयर किया गया है। और ये गरबा जो डांस है वो भारत का 15वां, ये भी याद रखिएगा, ये 15वां जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ये डांस है, इससे पहले 14 को मिल चुका था, ये 15वां है, कौन, गरबा डांस, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। ये पॉइंट से जो आप इसको देख सकते हैं, टोरंटो यूनिवर्सिटी हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, ठीक है ना। ये टोरंटो विश्वविद्यालय जो है जापान का, इसको फर्स्ट पोजीशन मिला है वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में, ठीक है ना, 24 में, ये 2024 के लिए जारी किया गया है, इसमें टोरंटो यूनिवर्सिटी को पहली रैंकिंग मिली है। वेना वाज द 19th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, इंटरपोल की 91वीं जो है जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई है, ऑस्ट्रिया के वियना में हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका कि इंटरपोल की 91वीं जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई है, ठीक है ना। टेलर स्विफ्ट, ये एक सिंगर है टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट हैज बीन नेम्ड एट द पेंस Persons of the Year 2023 by Times Magazine। अभी हाल में Times Magazine ने टेलर स्विफ्ट जो एक सिंगर है इनको
पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया, किनको? टेलर स्विफ्ट को। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट जिसको जारी करती है, ये देश में अपराध जो भी होता है उसका डेटा रिलीज करने वाली बॉडी कौन सी है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी ब्यूरो, ठीक है ना। ये रिपोर्ट 2022 जो जारी हुई है इसमें कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, कोलकाता को भारत का सबसे सुरक्षित शहर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है ना। भारत में जितने भी शहर हैं उसमें कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर, एनसीआरबी जो डेटा है रिपोर्ट 2022 की उसमें सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। गूगल हैज रिसेंटली लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी, अभी हाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है 55 नंबर, कि अभी हाल में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल नाम जारी किया है, उसका नाम क्या है? जेमिनी है। क्या है? जेमिनी आर्टिफिशियल। अभी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने जो है कौन सा, जो अभी उससे पूछा था शायद, आई थिंक उसका था स्पेस एक्स का था, ऐसे ही कुछ करके था, या कोई और था इसे, या गूगल ही था, उसमें पूछा था कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जारी किया है वो कौन सा है, तो अभी गूगल ने जो जारी किया उसका नाम क्या है? जेमिनी है। प्रशांत पंडित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निखिल दे हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने किनको? निखिल दे को जो है ऑनर किया, किसे? इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए निखिल दे को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। यूनिसेफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट यूएई। यूनिसेफ और इंडिया ने मिलकर के यूएई में ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके लिए? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया, भारत सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर किया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि द जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, द जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड एट आर्मेनिया। ये कहाँ हुआ है? आर्मेनिया, अजरबैजान का पड़ोसी कंट्री है आर्मेनिया, वहां पे जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित किया गया, ठीक है ना। महुआ मोहित्रा, ये इंपॉर्टेंट है, महुआ मोहित्रा हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा रिसेंटली ऑन द कैश फॉर क्वेरीज चार्ज, ठीक है ना। कैश फॉर क्वेरीज चार्ज, ठीक है ना। ये कैश फॉर क्वेरी चार्ज क्या होता है कि पार्लियामेंट में पैसे लेके सवाल पूछने के लिए महुआ मोहित्रा पे चार्ज हुआ था, उसके लिए एथिक्स कमेटी भी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने जो है अनइथिकल काम किया, पैसे लेके पार्लियामेंट में सवाल पूछे हैं, तो इसके आधार पे इनको जो है एक्सपेल्ड कर दिया गया था पार्लियामेंट से। इसी को कहते हैं कैश फॉर क्वेरीज चार्ज, ठीक है ना। ये वेस्ट बंगाल से आती हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, ठीक है। अभी हाल में वेस्ट बंगाल में जो लिस्ट जारी हुई है लोकसभा की, उसमें भी जो है आप देखेंगे इनका भी नाम है, फिर से चुनाव लड़ रही है, ठीक है। इटली हैज रिसेंटली अनाउंस्ड विथड्रॉल फ्रॉम द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में इटली जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये क्या है? चाइना का एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसमें वो पूरी दुनिया को अपनी कंट्री से जोड़ रहा है, चाइना खुद एशिया से होकर अफ्रीका यूरोप तक जो है इस रोड को बना रहा है, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। अभी हाल में इटली जो यूरोप का एक कंट्री है वो इस स्कीम से बाहर हो गया, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। रामकुमार रामनाथन वन द कालबुर्गी ओपन टेनिस 2023 इन मेन्स सिंगल कैटेगरी, ठीक है ना। कालबुर्गी एक जगह, वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है कालबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, उसमें राजकुमार, ठीक है, रामकुमार रामनाथन इसको, ये जो है ट्रॉफी को जीते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर समीर शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द बीबीसी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर दिसंबर महीने का करेंट है तो आप इसको याद रख सकते हैं कि बीबीसी क्या है। बीबीसी एक ब्रिटिश, बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और ये ब्रिटिश सरकार की ऑफिशियल जो है वहाँ की चैनल है जो ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड से जुड़ी हुई है, जर्नलिज्म से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। हनुक्का फेस्टिवल, हनुक्का फेस्टिवल इसराइल का एक फेस्टिवल है, ठीक है, यहूदियों का एक फेस्टिवल हनुक्का फेस्टिवल, ठीक है, ज्यू से जुड़ा था, सेलेब्रेटेड फॉर 8 डेज इन दिसंबर, दिसंबर में 8 दिन तक मनाया जाता है, और ये यहूदियों का फेस्टिवल है जिसको क्या कहते हैं? हनुक्का फेस्टिवल, ओके। इंडिया गॉट 7th पोजीशन इन द ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये है आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ठीक है ना। जलवायु, विश्व जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंकिंग मिली है? 7th पोजीशन मिली है, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 7th पोजीशन है, किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है ना। नोवाक जोकोविक को टॉप पोजीशन किसमें मिला है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस, ठीक है ना, पार्टनरशिप में, ठीक है ना। ये आप देखोगे कि नोवाक जोकोविक, ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये सर्बिया के प्लेयर हैं, कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं, टेनिस प्लेयर हैं ये, इसको ATP जो है रैंकिंग में टॉप पोजिशन मिला है, किसको? नोवाक जोकोविक को। USA has recently voted the UN Security Council ceasefire resolution, ये
इम्पॉर्टेंट है ये भी कि अभी हाल में इसराइल और हमास के बीच भी जो वार चल रहा है उसको रोकने के लिए जब यूएनओ के जनरल असेंबली में ठीक है उसमें जो है रिजोल्यूशन आया उसको वीटो किसने किया, अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये बहुत ही अजीब चीज़ें हैं अगर आप देखोगे कि जो चीज़ें शांति लाने के लिए लाई जा रही है यूएसओ में उसमें अमेरिका क्या कर रहा है, वीटो कर रहा है। वीटो मतलब अगर वीटो आ गया, वीटो लाने का मतलब ये था कि अब हम उस जो रिजोल्यूशन उसको पास नहीं होने देंगे। और रिजोल्यूशन किस लिए लाया जा रहा था, रिजोल्यूशन इसलिए लाया जा रहा था कि इसराइल और हमास के बीच में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है जिसमें इनोसेंट लोग मर रहे हैं उसकी मौत को रोका जाए। लेकिन अमेरिका ने वीटो करके ये कह दिया कि अब वॉर रुकेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा, जितनी कैजुअल्टी हो लेकिन वॉर रुकेगा नहीं। तो जो भी परमानेंट मेंबर हैं यूएसए के, 5 मेंबर्स हैं, उसमें से कोई भी रिजोल्यूशन को कोई भी वीटो करके रोक सकता है। तो अमेरिका ने इसराइल के फेवर में इसको वीटो कर दिया, ठीक है ना। अब ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि ये सही है गलत है, ये आप डिसाइड करेंगे। अगला है द फिफ्थ नागालैंड हनी बी डे वाज सेलिब्रेटेड अंडर द थीम बी एंड हनी ट्रायल्स एट नागा हेरिटेज विलेज इन कहां पे, किसामा। नागालैंड में हनी बी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। थीम क्या थी इसकी, बी एंड हनी, ठीक है ना, बी एंड हनी, मधुमक्खी और शहद इसकी थीम थी। ट्रिब्यूट टू द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कौशल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ए वैक स्टैचू हैज बीन अनवील्ड एट जयपुर वैक्स म्यूजियम। राजस्थान के मेहरगढ़ फोर्ट में जयपुर वैक्स म्यूजियम है, वहाँ पे जो है अभी हाल में बी आर अम्बेडकर की एक मोम की मूर्ति का जो है अनावरण किया गया। ये इम्पोर्टेंट आपका इसको देख सकते हैं। तेलंगाना हैज़ रिसेंटली लॉन्च महालक्ष्मी योजना। अभी हाल में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है इलेक्शंस के बाद, तो वहाँ पे तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य हेल्थ स्कीम, राजीव आरोग्य हेल्थ स्कीम, ये दो नई योजनाएं लॉन्च की है किसने, तेलंगाना सरकार में। कांग्रेस की सरकार बनी है तो आपको पता है राजीव गांधी के नाम पे राजीव आरोग्य हेल्थ स्कीम्स और महालक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने भी हाल में लॉन्च की है। इटली इज द विनर ऑफ द एडमिरल कप 2023, ठीक है ना। ये एडमिरल कप कहाँ होता है, ये इंडियन नेवी आयोजित करती है। अभी केरला में इसको आयोजन किया गया, उसमें इटली जो है इसका चैंपियन बना। कौन सा, एडमिरल कप 2023। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। अभी हाल में जम्मू कश्मीर जो इंडिया का एक यूटी है अभी वर्तमान में, बाद में स्टेट बन जाएगा जैसा आपको पता है, कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल एंड रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। आईएनएस मोरगांव मरमागुआ, आईएनएस कोची एंड आईएनएस कोलकाता, ये क्या है, ये इंडिया का शिप है। आईएनएस मरमागुआ, आईएनएस कोची एंड आईएनएस कोलकाता, इसको कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि अरेबियन सी में होतीस विद्रोहियों का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ पे निगरानी के लिए इंडिया ने अपने 3 जो है शिप को या पोत को जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे, शिप रेड सी ट्रेड इन वेस्ट एशिया। आपको पता है कि जो लाल सागर है वो वेस्ट एशिया से ट्रेड करने का एक बहुत ही व्यस्तम मार्ग है। वहाँ पे होतीस विद्रोही के अटैक हो रहे थे, उनकी निगरानी के लिए आईएनएस मरमागुआ, आईएनएस कोची एंड आईएनएस कोलकाता जो है भारतीय जल सेना ने, ठीक है, इसको लॉन्च किया, नौसेना जिसको, या जल सेना। अंगोला विड्रॉल्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। अभी हाल में अफ्रीकन कंट्री कौन सा, अंगोला, वो क्या क्या है, ओपेक, ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, ओपेक नाम है ये। 1960 में बना था, 1960 में। अभी जो है आप इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बगदाद है, ठीक है ना, बगदाद में है। तो अभी हाल में अंगोला जो है ओपेक से बाहर हो गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल में कौन सा कंट्री जो है ओपेक संगठन से बाहर हुआ, तो वो कौन सा है, वो अंगोला है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है ना। ये ओपेक कब बना है, 1960 में बना है, और ये संगठन क्या है, जो भी ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है और उसको एक्सपोर्ट करने वाली उनका एक संगठन है, ठीक है ना। इंडियन नेवी कमीशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल। अभी हाल में भारतीय, ठीक है, नौसेना ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला आईएनएस इम्फाल, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, कोई भी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल आएगी उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, आईएनएस इम्फाल। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, आईएनएस इम्फाल नाम है उसका, ठीक है। अगला कुछ पॉइंट्स देते हैं हम लोग। इंडिया हैज फॉर्मली साइंड अप फॉर द स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी SKAO एंड एम्बिशियस मल्टीनेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्पैनिंग ओवर ए स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। वर्ल्ड का पहला जो है ये जो है इंडिया हैज फॉर्मली साइंड द स्क्वायर किलोमीटर एरो। ये है क्या एक्चुअली, ये मल्टीनेशनल इनिशिएटिव है किसके लिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जिसमें एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा, उसका जो है क्या बनाया, साइन किया किसने, भारत ने भी साइन किया हाल में, ठीक है। अगला पॉइंट है बोएंड स्टैच्यू ऑफ जटायु
इंस्टॉल एट कुबेर टीला अयोध्या राम मंदिर कॉम्प्लेक्स। अभी हाल में ब्रॉन्ज स्टैचू जो है जटायु, जटायु आपको पता है जटायु क्या होता है, पता है जटायु के बारे में? ठीक है, एक वर्ड होता है ईगल की तरह लगता है, ठीक है ना, उसका जो इंस्टॉल किया गया कुबेर टीला, अयोध्या का जो राम मंदिर बना है वहाँ पे एक जगह का नाम कुबेर टीला है, वहीं पे जो कहाँ से प्रतिमा लगाई गई जटायु की अभी अयोध्या में। यूनेस्को एडेड गुजरात गरबा डांस टू इंटेंजिबल कल्चरल फेस्टिवल। मैंने आपको बता दिया कि अभी हाल में यूनेस्को ने जो है ये इंडिया का 15th इंटेंजिबल हेरिटेज है, 15वां है, इससे पहले 14 को मिल चुका था, ये 15वां है। कौन सा? गरबा। गरबा गुजरात का एक डांस होता है, ठीक है ना, उसको शामिल किया गया। द फर्स्ट स्नेक पार्क इन राजस्थान स्टेट विल सून ओपन इन कोटा। राजस्थान का पहला जो है सर्प पार्क कहाँ स्टेब्लिश होगा? राजस्थान के कोटा में लॉन्च होगा, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूँ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट द 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, 5वां, ठीक है ना, वैश्विक आयुर्वेदा, ठीक है, फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम पे किया गया। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम पे। द थीम वाज इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। अभी आपको पता है कि पोस्ट कोविड के बाद जो हेल्थ रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को अब बहुत ज़्यादा बॉडी कॉम्प्लेक्शन आने लगी है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें आयुर्वेदा का रोल क्या हो सकता है? आयुर्वेदा भारत का इंडिजिनस जो है, ठीक है, हमारा जो हेल्थ रिलेटेड जो है, ट्रीटमेंट रिलेटेड एक ये है, ठीक है, आर्ट है, तो आयुर्वेदा का क्या रोल हो सकता है? उसके लिए 5वां वैश्विक आयुर्वेदा फेस्टिवल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। नवरत्न है ना, नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल हैज रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रेस 445 करोड़ विद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इसने लॉन्च किया है। ये क्या है कि ये डायल 112 प्रोजेक्ट है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, किसी भी आपातकाल परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने यूपी गवर्नमेंट के साथ ये साइन किया है, ठीक है, ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप उसको छोड़ सकते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बेनले एट रेड फोर्ट। यह कहां पे? लाल किला में प्रधानमंत्री फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बेनले को इनॉग्रेट किया, इसका अनावरण किया। अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द न्यू फैक्ट्री ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी इन नोएडा। ये भी यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैबिनेट, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक नया ओपन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। ये होता क्या है, कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है? इसको महावाणिज्य दूतावास कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो एम्बेसी होती है जहां पे आप पासपोर्ट वीजा वगैरह के लिए काम होता है, एक होता है कॉन्सुलेट जनरल, ठीक है, इसमें कॉमर्स वगैरह से भी रिलेटेड चीजें होती है। तो यहां पे न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इंडिया अपना पहला जो है कॉन्सुलेट जनरल कहां एस्टेब्लिश कर रहा है? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इंडिया जो है पहला अपना जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो कहां पे न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शुरू करने वाला है, ठीक है। हो चुका है, देखिए ये जो करेंट अफेयर्स था आपका यहां पे, विराट कोहली हैज बिकम द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 94 नंबर पॉइंट्स, विराट कोहली हैज बिकम द इंडियन बैट्समैन हु स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अभी तक रोहित शर्मा थे सबसे ज्यादा टेस्ट में रन बनाने वाले, विराट कोहली ने इसको पीछे छोड़ करके सबसे ज्यादा, ये आई थिंक 2000 की कुछ रन्स है, मैं लिखवा देता हूँ इसके लिए, ठीक है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 2101 रन किसने बनाया? विराट कोहली ने, और ये रोहित शर्मा को पीछे छोड़ चुके हैं, पहले रोहित शर्मा के नाम था ये, अब ये विराट कोहली के नाम है। इसने वर्ल्ड में इंडियन फर्स्ट इंडियन प्लेयर है, इंडियन बैट्समैन हु हैज स्कोर द मोस्ट रन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? विराट कोहली के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखेंगे, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है इन्होंने, ठीक है ना। डेविड वार्नर बिकम द सेकंड हाईएस्ट
रन स्कोरिंग ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेविड वॉर्नर जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, यह सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरिंग ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, ठीक है ना। दूसरा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हार्दिक सिंह, हार्दिक सिंह हॉकी प्लेयर है, उनको हाल ही में रिसेंटली अवार्ड दिया गया फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकीज, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन द्वारा, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किनको? हार्दिक सिंह को। इंडिया के हॉकी प्लेयर हैं ये हार्दिक सिंह, इनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने वर्ल्ड का बेस्ट हॉकी प्लेयर का अवार्ड दिया है, ठीक है ना। अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द 2-डे ट्रैवल साइंटिफिक प्रोग्राम आदि लेक्चर्स, ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। अभी हाल में अर्जुन मुंडा ने इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। संजय सिंह वाज रिसेंटली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। संजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? संजय सिंह बने हैं। डोनाल्ड टस्क हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। पोलैंड के कौन प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क, ठीक है। और अर्जुन मुंडा हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। इसको चार्ज क्या, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज मिला। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे नरेश सिंह तोमर, वो हट गए हैं, और एडिशनल चार्ज किनको मिला है? ये मिला है अर्जुन मुंडा को। ये आपका जनवरी महीने का जो है, दिसंबर महीने का कुछ करेंट अफेयर्स था जो आज हम लोगों ने देखा। ये वन लाइनर है, ये परम आईएएस का जो जनवरी महीने का करेंट अफेयर्स है। हम लोगों को पता है कि परम आईएएस ने अपना मंथली करेंट अफेयर्स भी लॉन्च कर दिया। 3 महीने का करेंट अफेयर्स लॉन्च हो चुका है, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। तो अभी मैंने जनवरी का करवाया, बेसिकली इसमें दिसंबर के करंट अफेयर्स थे। कल जो मैं कराऊंगा वो मार्च का कराऊंगा, फरवरी का मैं करा चुका हूँ, पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। कल मैं मार्च का कराऊंगा, या इसमें से भी कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं, बाकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराऊंगा। इसके अलावा कल जो है झारखंड स्पेशल के कुछ जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट के कुछ क्वेश्चंस को डील करूंगा मैं, ठीक है ना। तो कल भी आप लेक्चर देखोगे, समय कम मिल रहा है, क्लासेस बहुत ज़्यादा होती, इंगेज रहता है पूरा क्लास, नहीं तो आज भी मैं कंप्लीट करवाता, अभी मैं पूरा इसको करवाता, लेकिन बहुत जल्दी अगर समय मिला तो शाम में भी देख सकता हूँ, नहीं तो कल जो है बचा हुआ इसका करूंगा। जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नेशनल न्यूज़ है, उसको पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हो परम आईएएस का जो है सौर्या मेंस बैच चल रहा है, मेंस बैच के लिए बीपीएससी 73वीं के लिए सौर्या 2.0 मेंस बैच चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, 18 मार्च से जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा इसमें, मैं शेयर करवा दूंगा, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो उसके बारे में। 70वीं बीपीएससी के लिए नया मेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, 18 मार्च से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये बायलिंगुअल क्लासेस है, दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। नेशनल न्यूज में एक चीज और बात कर लेते हैं, अभी हाल में कुछ करंट अफेयर्स और वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी अमृत भारत एक्सप्रेस, अभी आपको पता है कि इंडियन रेलवे ने वंदे भारत स्कीम को लॉन्च किया था। एक रेलवे का जो है एसी क्लास का था वो वंदे भारत, जिसकी स्पीड अभी तक सबसे ज्यादा है। तो उसी तरह से भारत सरकार ने, इंडियन रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन रेलवे विभाग से ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी विद अपकमिंग लॉन्च ऑफ अमृत भारत एक्सप्रेस, है ना। ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया। इसकी खासियत क्या क्या है कि आप देख रहे हैं, ये ट्रेन है, ये ट्रेन आपको दिख रही है पीले रंग की, ये अमृत भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया इसको। ये जो जनरल क्लास है, जैसे मजदूर हैं, बाहर काम करने जाते हैं, उनको जो है अनरिजर्व क्लास में, जैसे नॉन एसी है, ये कौन सा है? नॉन एसी है, इसमें कोई भी बुक कोच जो है एसी नहीं है, इसमें जनरल क्लास है और स्लीपर क्लास है। ये बाकी जो ट्रेनें चलती हैं स्लीपर क्लास की या किसी और एक्सप्रेस की, उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनमें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, चाहे इनकी वर्थ हो, चाहे इनका जो है चार्जिंग पॉइंट्स हो, बाथरूम हो, हर चीज़ जो है बाकी जो ट्रेडिशनल ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनसे बेहतर है। इनको नाम किया गया है अमृत भारत, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी गरीब व्यक्ति है जो बाहर काम करने के लिए आता है, सफ़र करना चाहता है, उसको कंफर्टेबल जर्नी के लिए ये जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें बस खासियत यही है कि जो आपको फेयर लगता है, ठीक है ना, नॉर्मल ट्रेन में जो आपको फेयर लगता है उससे 15% ज़्यादा इसमें जो है आपको फेयर लगेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है अमृत भारत, ठीक है। इसके कुछ रूट्स के बारे में देखते हैं, इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ये ट्रेन, जिसको नाम दिया गया अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है ना। और ये जो है मेनली किसके लिए? यूनिक पुश पुल टेक्निक्स, एक क्या होता है, खींचता है, दूसरा इसको धक्का देता है, इसी टेक्नोलॉजी पे ये ट्रेन बनी हुई है, ठीक है। की फीचर्स ऑफ अमृत भारत एमिटीज, ये क्या है? नॉन एयर कंडीशनल है, क्या है? इसमें कोई भी एसी कोच नहीं है, सब नॉन एसी कोच है, ठीक है ना। सेकंड क्लास अनरिजर्व इसके लिए जो है क्लास के लिए बनाया गया है ये। और माइग्रेंट वर्कर्स, जो पैसेंजर्स कौन होंगे, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है। और इसमें 22 कोचेज है, 8 आर जनरल सेकेंड क्लास और 12 क्या है स्लीपर क्लास, ओके। इसमें क्या है? एर्गोमिक सीटिंग, ठीक है, कर्शन लगेज रैक्स, मोबाइल फोन्स होल्डर्स एंड जीरो डिस्चार्ज बायो टॉयलेट्स, जो बाकी आम ट्रेनों में नहीं होती है,
वो सब इसमें सुविधाएं की गई हैं, ठीक है ना। अब इसके थोड़ा सा रूट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका रूट कौन कौन सा है। इनॉग्रल रूट, ये जो है होली सिटीज अयोध्या, अयोध्या यूपी और दरभंगा, बिहार के दरभंगा और यूपी के अयोध्या को कनेक्ट करेगा अमृत भारत जो एक्सप्रेस है, ठीक है ना। इसके अलावा हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जो जगह होंगी उसको भी ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। द सेकंड रूट विल बी कनेक्ट बेंगलुरु। अब क्या कहा, दूसरा, ये पहला रूट है ये जो मैंने कहा आपसे कि अयोध्या और दरभंगा, अयोध्या है और दूसरा कौन है दरभंगा, ये आपका ईस्ट वाला रूट है। दूसरा क्या, साउथ में बेंगलुरु से ये आपको वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। कहाँ से, वेस्ट बंगाल और बेंगलुरु के बीच, ये दो रूट में चल रहा है। द रेलवे प्लान टू ऑपरेट दिस रूट फॉर 5 मंथ्स एज ए ट्रायल, चलाया जाएगा ये। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बाकी ट्रेनों पे जो बर्डन पड़ रहा है या इस पर प्रेशर पड़ रहा है, सीट्स नहीं मिलते हैं लोगों को जाने के लिए, तो उसको कम किया जाए और जो गरीब लोग हैं उनको भी एक कंफर्टेबल जर्नी के लिए सुविधा दी जाए इंडियन रेलवे द्वारा। इसी का नाम रखा गया अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है ना। क्लासेस है तुम लोगों की कितने बजे से? ओके, अगला हम लोग देखते हैं इंडियाज मेडन वेंटिंग रिसर्च सेंटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल में इंडिया ने आर्कटिक में अपना रिसर्च सेंटर जो स्टैब्लिश किया है उसका नाम क्या है, उस पर हम लोग एक बात कर लेते हैं कि इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू आर्कटिक ड्यूरिंग द विंटर, सर्दी के मौसम, और रिसर्च टू कंडक्ट यूनिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग पोलर नाइट्स वेयर देयर इज नो सनलाइट फॉर नियरली 24 आवर्स एंड सब जीरो टेम्परेचर। इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया हिमाद्री। क्या है हिमाद्री, याद रखना आपको कि आर्कटिक रीजन में इंडिया ने जो अपना विंटर आर्कटिक रिसर्च सेंटर नाम है उसका नाम क्या है, हिमाद्री है। और यहाँ पे जो है, ठीक है, एक कोल्ड एरिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, वहाँ के जीवों के लिए बाकी और संभावनाएं क्या है अर्थ पोल पे, उस पर रिसर्च करेगी इंडिया। ये कहाँ पे, आर्कटिक में। और अंटार्कटिक में कौन सा है पता आपको, गंगोत्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आर्कटिक में है उसका नाम हिमाद्री है और अंटार्कटिक में उसका नाम क्या है, गंगोत्री है, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। दूसरा आपका अयोध्या जंक्शन के बारे में है कि हाल में जो अयोध्या जंक्शन है उसका नाम जो है चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। ए मॉडर्न मार्वल विद ए ट्रेडिशनल टच, द अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इज नाउ ए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। इसका नाम क्या दिया गया अयोध्या जंक्शन का, अयोध्या धाम। अब अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसमें जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न ये दोनों लुक दिया गया स्टेशन को, अगर आप जाके देखेंगे तो टेम्पल की तरह दिखेगा। इसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से भी जोड़ दी गई है, रोडवे से भी जोड़ दी गई है। आपको पता है कि अब जो क्या है कि हिंदू धर्म का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन चुका है ये शहर, तो यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट, ठीक है ना, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। स्टेशन का नाम अयोध्या स्टेशन से अयोध्या धाम रख दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मॉडर्न एमिनिटीज, यहाँ पे आर्किटेक्चर कौन सा था, एंशियंट इंडियन और मॉडर्न एमिनिटीज दिखेगी। द स्टेशन बिल्डिंग सिंबल्स मैजेस्टिक टेम्पल्स एडॉर्न विद डोम, इसमें गुंबद भी होंगे, पिलर्स भी होंगे, आर्चेस भी होंगे, और मुरास डिपिक्टिंग द लाइफ एंड ग्लोरी ऑफ राम देयर। और उसमें जो पेंटिंग बनी होगी किसी होगी, भगवान राम की लाइफ से जुड़ी भी चित्रें बनी होगी उस स्टेशन पे। मतलब इस स्टेशन को एकदम कल्चरल कैपिटल की तरह जो है लुक देना ये टारगेट है, ठीक है ना। अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे आप देखो प्लेटफॉर्म, साइन बोर्ड्स, अनदर, बिल्कुल बाकी स्टेशन से आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। ये यूपी गवर्नमेंट कर रही है और जिसमें इंडियन रेलवे भी कॉपरेट कर रही है, ठीक है। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी मैं करवा चुका हूँ कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो कब हुआ है, ये आपको 22 जनवरी को हुआ है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि राम जन जो आपको बरसों से चला आया था विवाद था राम मंदिर का, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दे दिया तभी हाल में 22 जनवरी को इसकी आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। ये आपसे डेट पूछ सकता है। और ये किस डिज़ाइन पे ये टेम्पल बन रहा है, आपको पता है टेम्पल आर्किटेक्चर्स के 3 डिज़ाइन होते हैं। एक नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं प्रीवेलेंट है वो कौन सा है, वो नागरा स्टाइल्स है। साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल्स है और सेंट्रल इंडिया में इन दोनों का फ्यूजन है जिसको बेसरा स्टाइल्स बोलते हैं। तो ये राम मंदिर बन रहा है, ठीक है ना। ये किस लिए बन रहा है, ये आपको नागरा स्टाइल पे बन रहा है, नागरा शैली पे, ठीक है। अगला आपका फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, टू ग्रेस इंडियाज रिपब्लिक डे। अभी हाल में 2024 में 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कौन थे, ऑफिशियल यहाँ पे गेस्ट थे इस गणतंत्र दिवस के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है बाकी बचा हुआ करेंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे। और कल हम लोग जेपीएससी का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो लास्ट 5-6 महीने का वो कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं।
मुकेश जी को बोला ना। चलो आप लोग से कल मिलेंगे और कुछ शेयर कर दूंगा मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है ना। मैं इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा और कल जो क्लास होगी वो झारखंड के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से होगी। 5-6 दिन बचा हुआ है, ठीक है, उस पर हम लोग कल बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो टेक केयर, मिलते हैं फिर कल।